हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर विजेश। अब हम करने जा रहे हैं 14 सम। इस सम में आपको पूछा है कि एबीसी जो है इंटीरियर एंगल है, मतलब क्या एक ट्रायंगल है, ठीक है, और वो ट्रायंगल के एंगल से एबीसी जो कि ऑब्वियसली आपको यहां पे समझ में भी आ रहे हैं, प्रूफ करना है साइन ऑफ ए प्लस सी अपॉन टू, बेसिकली पूरा का पूरा डिवाइड एक साथ ही है, इक्वल टू कॉस ऑफ बी अपॉन टू। नाउ कंसिडर एलएचएस, क्यों कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स यही है, जो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है उसी को हम उठाते हैं, सो दैट ये बोलते ना कि जो लेसर कॉम्प्लेक्स वाला टर्म आ जाए। सबसे पहले एलएचएस लिया, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी तीनों का सम करोगे 180 डिग्री आएगा। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नाउ ए प्लस सी का वैल्यू इज व्हाट, 180 माइनस बी, राइट। सो आप ए प्लस सी के जगह पे 180 माइनस बी डालो। देखो Now the LHS becomes sine of 180 minus b. क्यों? देखो a plus c जो था उसकी जगह पे मैंने 180 minus b डाला, तो ये हो जाएगा sine of 180 minus b. Denominator split करोगे तो ये हो जाएगा 180 upon 2 minus b upon 2. वैसे ही ये हो जाएगा sine of 90 minus जो भी angle आए b upon 2. Now since sine of 90 minus theta is cos theta, at the same time cos of 90 minus theta is sine theta. ये भी आपको याद रखना है। So यहाँ पे sine 90 minus theta इक्वल टू कॉस थीटा और इस इक्वल टू क्या, अरे ये तो आरएचएस आ गया, बराबर ना, कॉस ऑफ बी अपॉन टू क्या है आरएचएस, सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूफ क्या, साइन ऑफ ए प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ऑफ बी अपॉन टू, इजी, बहुत सिंपल था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सम की ओर। अगले वीडियो में आपको 15 सम देखने मिलेगा। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय।